थैंक यू सर। और इसी के साथ बाजार भी खुला है हरे निशान में, कम से कम ओपनिंग होते हुए निफ्टी 11 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स 47 पॉइंट्स ऊपर। और जो बढ़त वाले स्टॉक्स हैं उनको देख लेते हैं। निफ्टी बैंक थोड़ा सा मामूली सा नुकसान में है, करीब 23 पॉइंट नीचे ये है, लेकिन टेक महिंद्रा, HUL, SBI, HDFC इन पर ठीक रुझान देखने को मिल रहा है। ICICI को एक बार देख लेते हैं, एनालिस्ट मीट से काफ़ी अच्छे संकेत आए थे, लेकिन वो इस समय मामूली से नेगेटिव रुझान के साथ ट्रेड करते हुए, और निफ्टी भी इनफैक्ट अब हल्का सा नीचे है, 31 पॉइंट्स नीचे इनफैक्ट। तो कोल इंडिया की हमने बात की थी, वो तो है नुकसान में, साथ ही इन्फोसिस, HCLTech, टाटा मोटर्स, विप्रो, मारुति सुजुकी और एशियन पेंट्स, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहाँ पर निशान लाल देखने को मिल रहा है। और देखते ही देखते देखिए 50 पॉइंट नीचे निफ्टी इस समय, सेंसेक्स 160 पॉइंट्स नीचे। इनफैक्ट ICICI बैंक में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस लेके गए थे लोग, ये उम्मीद में कि कुछ गाइडेंस बहुत क्लियरली आएगी, लेकिन आया क्या, बिजनेस गाइडेंस नहीं आई, लेकिन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और फिनटेक को लेके काफी गाइडेंस आई, जो इम्पोर्टेंट तो है, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शायद स्टॉक को इम्पैक्ट ना करे, इसीलिए ICICI बैंक 2% करीब फ्लैट टू नेगेटिव एक्चुअली। मिड कैप की तरफ बात करें, AB कैपिटल लास्ट वीक बहुत एक्टिव था खराब बाजार में, आज भी 2-3% ऊपर की तरफ खुला है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने ओवर द वीकेंड दिल्ली में एक और बड़ा जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है एक वहाँ के रीजनल प्रॉपर्टी डेवलपर के साथ, और 2.5% ऊपर। तो ये जो इनका जॉइंट डेवलपमेंट मॉडल है जो बॉम्बे बेस्ड था और बहुत सक्सेसफुल था, वो अब दूसरे एरियाज में भी एक्सपैंड कर रहा है, NCR फॉर एग्जाम्पल 2.5% ऊपर। बात करें तो कुछ और स्टॉक्स की तरफ नज़र डालें तो ग्लैक्सो, सिंजीन, डॉक्टर लाल पाथलैब, इस तरह के डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर स्टॉक्स भी अब देखिए एडवांस डिक्लाइन काफ़ी सिवियरली ऑन द डाउन साइड, करीब करीब 5 स्टॉक ऑन द डाउन साइड